बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि आलू गोश्त फटाफट से तैयार हो जाए, प्याज टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, तो आप इस रेसिपी को अपने ख़ास मेहमानों के लिए और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए ज़रूर तैयार करें। मुनफरद जायके और खुशबू के साथ ये आलू गोश्त मिनटों में तैयार होते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया एक पतीला और इसमें हम डाल देंगे एक कप भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए और पेस्ट बना लिए। अब इसी पेस्ट को दरमियानी आंच पे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 चम्मच भर के। अब लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज को हम मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए और इनका कच्चापन जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अभी आ जाते हैं हम गोश्त की जानिब। 1 किलो हमने गोश्त लिया और 1 लीटर पानी डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के हमने गोश्त को 80% तक गला लिया। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है और आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आप 1.5 लीटर पानी और 2 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप आलू की क्वांटिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी आलू गोश्त को यानी कि 1 किलो गोश्त है इसको आपने ज़्यादा तैयार करना है तो इसमें टमाटर और प्याज की जो मिकदार है वो ज़्यादा जाएगी। दोबारा से आ जाते हैं चूल्हे की तरफ तो चेक कर लेते हैं प्याज और लहसुन जो हैं वो किस हद तक फ्राई हो चुके हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, प्याज जो हैं वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा तेज़ कलर हमें प्याज का नहीं चाहिए, तो हम इसमें डाल देंगे गोश्त जो कि हमने यखनी से निकाल लिया और अभी इसी गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे प्याज लहसुन अदरक के साथ। नमक का इस्तेमाल करेंगे, इसी गोश्त में ही हम डाल देंगे नमक हसबे ज़रूरत। तकरीबन 2 छोटे चम्मच भर के हम लेंगे नमक, वो भी साथ में ही शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से इसी गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे जी ढक्कन और बिल्कुल दम वाली आंच पे हम थोड़ी देर के लिए गोश्त को फ्राई होने देंगे ताकि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए यानी कि ब्राउन कलर में चेंज हो जाए और गोश्त से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ जाए। हमने गोश्त को बॉयल किया है तो इस वजह से गोश्त को फ्राई करना लाजमी है। थोड़ी देर के लिए गोश्त को फ्राई करने के साथ ही हम चेक करने लगे हैं तो खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है और गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। गोश्त का कलर जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है यानी कि यही गोश्त जो है ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमने गोश्त को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, यही कलर हमें चाहिए। और इसी कलर के साथ ही मैं ज़रा आपको चेक भी करा देती हूँ कि आप इनके ज़रा पीस देख लें कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है गोश्त फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर जो हैं हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करने के साथ ही टमाटरों को बारीक काट लिए। साथ ही हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। चंद हरी मिर्चें शामिल करने के साथ ही कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क मसालों के साथ किसी भी खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा, बस बहुत ही कम मिकदार में हम खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चम्मच हम शामिल कर देंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। अब इन तमाम खुश्क मसालों को हम गोश्त में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि टमाटर में पानी होता है, तो हमने खुश्क मसाले शामिल किए हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसी खुश्क मसालों को टमाटर और गोश्त के साथ रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से भून लेंगे और खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे फौरन से आलू। फौरन से हम आलू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। जो ही आलू शामिल होंगे तो टमाटर जो है बिल्कुल मैश हो जाएंगे। प्याज़ों को तो हमने पहले ही पेस्ट बना लिया था, इस वजह से प्याज़ों की तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमने टमाटरों को जो है वो मैश करना है, बिल्कुल मैश करना है ताकि टमाटर आलू गोश्त में नज़र नहीं आने चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे जी ढक्कन और दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएं। और थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे तो इन टमाटर आलू और गोश्त को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे।
अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू गोश्त जो है किस हद तक जो है रोस्ट हो चुका है। आप ज़रा इसकी लुक देख लें। बस हमने ज़्यादा जो है इनको रोस्ट नहीं करना, थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाएंगे क्योंकि टमाटर मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे वो यखनी, जो कि 1 किलो गोश्त में 1 लीटर पानी डाल के हमने यखनी का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ ही हमने किसी भी किस्म का और सादे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जितना भी आपने शोरबा रखना है उसी हिसाब से आप यखनी तैयार कर लें। बस हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दम वाली आंच पे छोड़ देंगे सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो आपको दिखा देते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त खुशबूदार सा मिनटों में तैयार हो चुका है। इसमें कोई प्याज और टमाटर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। थोड़ी देर के लिए जब हम इसको छोड़ देंगे तो इसका तमाम जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। आप ज़रा आलू गोश्त की लुक देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाले का इस्तेमाल होगा, और गरम मसाले का इस्तेमाल करने के साथ ही हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हरी मिर्चें हो गई या धनिया हो गया, कसूरी मेथी होगी, इनका हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आसान और सादा सी रेसिपी मुनफरिद जायके के साथ मैंने आपसे शेयर की है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।